अक्सर ये कहा जाता है कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखें। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम कहें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हर इंसान फालतू की चीज़ों में वक्त ज़ाया करता है, मोबाइल, टीवी, मोबाइल गेम्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सब आपके वक्त को ऐसे खाते हैं जैसे बड़ी शार्क छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं। और मैंने पिछली एक वीडियो में ये जिक्र किया था कि दोस्त, मोबाइल, मूवी, सोशल मीडिया, ये चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली, और जो जा रहा है वो है वक्त। वक्त अगर हाथ से निकल गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पुअर माइंडसेट वाले लोग पैसे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग पैसे के मुकाबले में अपने टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। पैसे अगर खर्च कर दें तो वो दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर अपने वक्त को एक बार खर्च कर दिया जाए तो फिर दोबारा उसे कभी वापस कैश नहीं कर सकेंगे। यानी अगर आपने एक बार वक्त को खर्च कर देते हैं तो फिर अरबों खरबों खर्च करके भी उसे दोबारा नहीं लाया जा सकता। और यही वजह है कि हर चीज़ से ज़्यादा टाइम को वैल्यू दी जाती है। इसीलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको वक्त की कदर को समझना होगा, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपने कदर की तो फिर लोग आपकी कदर करेंगे। लोग इज्जत, शोहरत और पैसा, ये सब आपके पीछे भागे चले आएंगे।